मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद विवेक तन्हा ने ईवीएम पर पार्टी नेता दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। विवेक तन्हा ने कहा कि हम पोस्टल बैलेट पर जीत रहे थे लेकिन ईवीएम पर हार गए, इसकी क्या वजह रही? सीनियर नेता मध्य प्रदेश से आते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं विवेक तन्हा साहब। तन्हा साहब, जो ईवीएम है उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, बड़े सवाल हैं, क्या ईवीएम को लेकर ये आपत्ति आपकी भी है? देखिए, हम ईवीएम पे डायरेक्टली इस पर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम जब तक साक्ष्य आ जाती है उसके बाद ही बोलेंगे। मगर हमको एक बहुत आश्चर्यजनक बात लगी कि जो मध्य प्रदेश में डाक मतपत्र है और उसमें भारी बहुमत से कांग्रेस जीती और पूरे अक्रॉस 230 सीट मैक्सिम प्रैक्टिकली बहुत कम ऐसी सीट होंगी जहां बीजेपी जीती है। तो डाक मतपत्र में और ईवीएम पे ट्रेंड में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया, ये आज तक हमने किसी चुनाव में नहीं देखा। इसलिए मध्य प्रदेश में जो हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे थे, मैं नहीं देख रहा था, जो प्रेस देख रही थी, मीडिया देख रही थी, पोस्टर्स देख रहे थे, सर्वे टीम देख रही थी, उसमें और जो रिजल्ट है उसमें बहुत अंतर है। और अगर देखें तो क्या ये आरोप नहीं लगेंगे कि एक तरफ आप जीतते हैं तभी ईवीएम सही होती है, तेलंगाना के रिजल्ट भी आए हैं, कांग्रेस जीती है? जीतने के कारण होते हैं, जब जीत दिख नहीं रही होती और आप जीतते हो तो सस्पेंशन होता है। तो क्या ईवीएम को लेकर जो विरोध है इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या ईवीएम ये चीजें टीवी में डिस्कस करने की नहीं है, ये अध्ययन की बातें होती है। और जाहिर सी बात है ईवीएम को लेकर बड़ी आपत्ति के बाद कांग्रेस अब बड़े सवाल उठा रही है और विवेक तन्हा जो कांग्रेस सांसद हैं वहाँ मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने भी ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया है और ये बड़े सवाल उठाते हुए ईवीएम पर उन्होंने खास तौर से कई सवाल छोड़े हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।